हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वर्ड सावित्री का मेकअप लुक। मैंने ये बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट किया, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरा ये लुक आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है सीटाफिल का क्लिंजर। ये ऑल स्किन टाइप है, सो मैंने इसे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। देन मैं अप्लाई करूँगी आर्ट फुटनेस का रोज टोनर और इसे अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। टोनर हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए मेकअप करने से पहले। देन मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ सीटाफिल का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी कलर करेक्टर और इसमें से मैं यहाँ पे ये शेड पिक करके ऑरेंज शेड अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज़ करूंगी। ये देखिए, मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई कर लिया है। देन इसे एक ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी लाइट शेड का कंसीलर और इसे भी अपने डार्क सर्कल्स पे और जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ पे भी अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए, इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है मैंने। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउंड्स की बेबी क्रीम। इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस में अप्लाई कर दिया है और इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं इसे स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि मेकअप का बेस काफ़ी फ्लॉलेस आए। आप देख सकते हैं मेकअप काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब मैं अप्लाई करूंगी मेबलिन फिट मी कंसीलर। मैं इसे अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी, जैसे मेरे चिन पे, नोज पे, फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसे भी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं स्पॉन्ज की हेल्प से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। देन मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन शेड उठाऊंगी ट्रांजिशन के लिए और इसे अपनी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी फ्लफी ब्रश से। यहाँ से रेड शेड पिक करूंगी और इसे अपने आईलिड पे और कॉर्नर पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूंगी इस तरह से, आप देख सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे अब लिया है गोल्डन शेड और इसे अपनी हाफ कट क्रीज पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। ये देखिए, आई मेकअप डन। अब मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कंसीलर को अच्छे से पैक कर लिया है। ये देखिए, इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर लग गया है। अब मैंने आई शेडो से रेड शेड पिक किया है, देन उसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईज पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसे अच्छे से स्मज कर दूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये आई लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मैंने यहाँ पे पर्पल की लिपस्टिक यूज़ करी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई कर रही हूँ NYB शक्ति की लिपस्टिक। इस शेड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लिपस्टिक लगाने के बाद इस शेड को जरूर पिक करती हूँ। इससे लिपस्टिक का कलर बहुत ही प्यारा निकल के आता है, आप देख सकते हैं। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का ब्लश और इसे भी अपने चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर का हाईलाइटर और इसे भी अप्लाई कर लूंगी अच्छे से, आप देख सकते हैं। ये लीजिए, फाइनल लुक इज रेडी। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे। अगर आपको ये लुक अच्छा लगता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।